हमारे पास 25 लास्ट जो कंप्यूटर के एमसीक्यूज हैं उनको हम देख लेते हैं। एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल दोनों जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड और एक्सेल दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, इसको आपने जहन में रखना है क्योंकि ये स्पेसिफिक जो है वो प्रोग्राम के लिए होते हैं। उसके बाद 1027 है, इंफॉर्मेशन ऑन अ हार्ड डिस्क इज बैक्ड अप यूजिंग अ सीडी रोम। सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी को कहते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी को कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी रोम को कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन ऑन अ हार्ड डिस्क इज बैक्ड अप यूजिंग अ, यानी हार्ड डिस्क में जो इंफॉर्मेशन होती है वो बैकअप के तौर पर सीडी रोम में होती है। तो सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद इन अ विंडो पीसी कंट्रोल प्लस वाई। तो कंट्रोल प्लस वाई की अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, तो शॉर्टकट की होती है जो कि रीडू के लिए होती है। रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई और अनडू के लिए कंट्रोल प्लस जी या कंट्रोल प्लस जेड। तो इन अ विंडोज पीसी पर्सनल कंप्यूटर कंट्रोल प्लस वाई इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज अ शॉर्टकट की फॉर रीडूइंग। एन इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ डाटा, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ डाटा होती है जो कि कंप्यूटर पे डिस्प्ले होती है, उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। सॉफ्ट कॉपी इसका करेक्ट आंसर होगा। एन इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ डाटा सच एज स्टाइल व्यूड ऑन अ कंप्यूटर्स डिस्प्ले इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द लेफ्ट इन एमएस वर्ड। तो यहाँ पे अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो कंट्रोल प्लस एल जो है वो यूज होता है अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द लेफ्ट, यानी लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल इस्तेमाल होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द लेफ्ट इन एमएस वर्ड, तो वो कंट्रोल प्लस एल है। इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन एज अ फाइल मैनेजर। तो विंडोज एक्सप्लोरर की बात करें, विंडोज एक्सप्लोरर जो है वो उसको फाइल मैनेजर भी कहते हैं। तो इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज एक्सप्लोरर इज नॉन एज फाइल मैनेजर। सी एल आई स्टैंड्स फॉर कॉलर्स लाइन आइडेंटिफिकेशन। कॉलर्स लाइन आइडेंटिफिकेशन सी एल आई स्टैंड्स फॉर कॉलर्स लाइन आइडेंटिफिकेशन। 1033 है, टू गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज टू बी कनेक्टेड टू एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP। ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और एंड IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। टू गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज टू बी कनेक्टेड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद टू एक्सेस डायरेक्टली फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन पावर पॉइंट विच शॉर्टकट की यूज कंट्रोल प्लस टी। टू एक्सेस डायरेक्टली फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन पावर पॉइंट विच शॉर्टकट की यूज इज कंट्रोल प्लस टी। फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इंटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इंटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। पिशिंग स्कैम्स आर अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय देयर आइडेंटिटी। तो इसके लिए जो पिशिंग स्कैम्स का इस्तेमाल होता है, ईमेल्स आती हैं, कॉल्स आती हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए कि आप अपनी आइडेंटिफिकेशन बता दें, तो इसको हम पिशिंग स्कैम कहते हैं और उनका ताल्लुक झूठ के साथ होता है। उसके बाद ये गलत जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनके साथ होता है। उसके बाद हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एग्जांपल ऑफ आ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो किसकी एग्जांपल है? हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डिवेल्पिंग मल्टी मीडिया वेब पेजेस, तो वो जावा है। Which of the following is the popular programming language for developing multimedia web pages is Java. Storage capacity of magnetic disk depends on disk pack and disk surface, tracks per inch of the surface. और यहाँ पे all of these हमारे पास correct option होगा। तो storage capacity of magnetic disk depends on all of these. The first computer was programmed using machine language. First computer was programmed using machine language. A browser is a software program used to view web pages. A browser is a software program used to view web pages. तो इसमें correct option जो हमारा वो browser है। उसके बाद a gigabyte
अ गीगाबाइट इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स, गीगाबाइट्स के अंदर जो है वो अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 1 बिलियन बाइट्स होती हैं। उसके बाद विंडोज 10, विंडोज 10 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो 10 जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडो 10 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी साइज परफॉर्मेंस विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज नॉन एज बिग आयरन? ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी, मेमोरी की बुनियाद पर या बेस पर, साइज परफॉर्मेंस की बुनियाद पर या बेस पर विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज नॉन एज बिग आयरन? तो बिग आयरन मेन फ्रेम कंप्यूटर को कहा जाता है। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लाइन स्पेसिंग कैन बी यूज टू डिसाइड ऑन द स्पेसिंग बिटवीन लाइन ऑफ अ पैराग्राफ। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैन बी यूज लाइन स्पेसिंग कैन बी यूज टू डिसाइड ऑन द स्पेसिंग बिटवीन लाइन ऑफ अ पैराग्राफ। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी इन इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस? तो वो सेकेंडरी है, सेकेंडरी है। यूएसबी इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस? तो वो सेकेंडरी है, यानी सेकेंडरी है। उसके बाद द मेन फंक्शन ऑफ अ वेब सर्वर इज टू स्टोर एंड प्रोसेस वेबसाइट्स। द मेन फंक्शन ऑफ अ वेब सर्वर इज टू स्टोर एंड प्रोसेस वेबसाइट्स। द प्रिंसिपल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इन इन द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट इज आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको हम कहते हैं। द प्रिंसिपल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इन द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट इज आईपी। वेब पेजेस आर इंटरलिंक्ड बाय यूजिंग हाइपरलिंक्स, वेब पेजेस आर इंटरलिंक्ड बाय यूजिंग हाइपरलिंक्स। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द सुपर कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड? विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द सुपर कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड? इज लिनॉक्स। तो लिनॉक्स जो है वो इसमें इस्तेमाल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज बाय मोस्ट ऑफ द सुपर कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स जितने भी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं उनमें जो सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है वो लिनॉक्स, लिनॉक्स है। जी थैंक यू सो मच। ये आप लोगों के कंप्यूटर के जो 1050 एमसीक्यूज हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब आप इंशाल्लाह ये 1050 एमसीक्यूज कर लें। कंप्यूटर के किसी भी अगर हम पीपीएससी की बात करें, एनटीएस की बात करें या जो है वो सीटीएस की बात करें, तो जितनी भी टेस्टिंग एजेंसीज हैं या टेस्टिंग सर्विसेज हैं, आप इनमें जब टेस्ट देंगे तो इंशाल्लाह कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो इन 1050 एमसीक्यू से बाहर नहीं आएगा। इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हमारी इंग्लिश के एमसीक्यूज जो हैं उन पे वीडियोस होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।